ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ୟାଫେର ଚାହିଦା ବଢୁଛି। ନୂଆ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କର ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୟାଫେ। ଏଥିସହ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି କ୍ୟାଫେ। ବଢୁଥିବା କ୍ୟାଫେର ଚାହିଦା ଦେଖି ଏବେ ଖୋଲିଛି ରେଲ କ୍ୟାଫେ। ବରେଲିର ଇଜ୍ଜତନଗର ରେଳ ବିଭାଗ ବରେଲିରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କୋଚ୍ ଥିବା କ୍ୟାଫେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରୁଣା ରେଳ କୋଚ୍ର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ୟାଫେ, ଯେଉଁଥିରେ 80 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଏକାଠି ବସିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ରେଳ କ୍ୟାଫେର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। सब हमारी भारतीय रेल का है और इसका कॉन्सेप्ट अपने इंडिया में 2-3 जगह मैंने देखा था। इंदौर में भी मैंने देखा था, भोपाल में देखा था। वहाँ पे एक एक कोच का इस तरीके का बनाया गया। तो हम लोगों ने भी जब आईजेड नगर मंडल में बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने बताया कि हम भी इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने सर से बहुत से सबसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसमें 2 कोच लाइए तो ये और अच्छा सिटिंग प्लान बन सकता है, क्योंकि अभी आईजेड नगर स्टेशन पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल पैसेंजर्स का नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेनें बहुत ज्यादा इधर से बहुत नहीं निकलती लॉन्ग डिस्टेंस की। एक आकर्षणीय रूप से सजा जाइथिबा एही कैफे 24 घंटा खुला रहिबो। एथिरे लोकों को एक नूतन शैली रे खाद्य परिवेषण करा जिबो। एहा द्वारा ट्रेन रो यात्री एवं स्टेशन को आसुथिबा लोक माने प्लेटफार्म बाहर स्टेशन परिसर रे खाइबा पिबा पई एक स्थान पाइबे। एथिरे दिया जाइथिबा खाद्य रो गुणवत्ता रेलबाई तदारख करिबो। ଏହି କ୍ୟାଫେରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯିବ। ଏଥିସହ ଚା ଏବଂ କଫି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି କ୍ୟାଫେ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ରେଳ ଥିମ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ୟାଫେରେ କିଛି ପୁରୁଣା କୋଚ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।